इस वीडियो में जानने वाले हैं कि अपना फिल्मोरा, जो फिल्मोरा से आप वीडियो एडिटिंग करते होंगे, तो फिल्मोरा बहुत ही पॉपुलर है। अभी 9 वर्जन उसका चल रहा है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया अभी तक 9 वर्जन, तो आप मेरा जो फेसबुक पेज है अल्फा ज्ञान, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर मैंने उसका लिंक पोस्ट कर दिया है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिल्मोरा से आप अपना स्क्रीन को कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इससे पहले का वीडियो में बताया था कि आपको थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ रहा था वहां पर, जो कि फ्री स्क्रीन रिकॉर्डर बोल के था। अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो आपका फिल्मोरा है उसी फिल्मोरा से आप अपना स्क्रीन भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और बहुत ही अच्छा वीडियो भी एडिटिंग कर सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं। सिंपली क्या करना है, आपको फिल्मोरा इंस्टॉल करना है अपने पीसी में, वो मैंने पहले का वीडियो में बताया था। क्या करिए, इंस्टॉल करने के बाद फिल्मोरा को ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको 9 वर्जन में कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। आपका इस साइड प्रोजेक्ट होगा और यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेगा, ओपन प्रोजेक्ट मतलब जो पुराना प्रोजेक्ट है उसको ओपन करना है या न्यू प्रोजेक्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे, अभी न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आपको कुछ इस तरह से दिखेगा फिल्मोरा 9 का, जो बहुत शानदार इंटरफेस है अभी का जो फिल्मोरा 9 है। यहाँ से आप बहुत ही हाई क्वालिटी का वीडियो बना सकते हैं और बहुत ही आसान है। पहले का जो था फिल्मोरा 8, उसमें इतना अच्छा फ्यूचर नहीं था और बहुत ही बोरिंग लग रहा था, तो इसका बहुत ही अच्छा है। अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो आप क्या करिए, फाइल पर क्लिक करिए। फाइल पर जाने के बाद आपको यहाँ पर रिकॉर्ड मीडिया मिल जाएगा, उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको 3 ऑप्शन दिख रहा है, रिकॉर्ड फ्रॉम वेबकैम, रिकॉर्ड पीसी स्क्रीन, रिकॉर्ड वॉइस ओवर। तो आपको करना है क्या है, अगर पीसी का स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो आपको सिंपली यहाँ पर पीसी स्क्रीन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप पीसी स्क्रीन पर क्लिक करेगा तो आपको कुछ इस तरह का एक डायलॉग बॉक्स शो होगा, तो उसके बाद आप यहाँ पर सेटिंग में जाकर कुछ इसका क्वालिटी जो आप कस्टमाइज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर करना है कि आपको इसे बेस्ट क्वालिटी में रखना है तो अच्छा होगा, या आप गुड पर रखेंगे तो उससे कम क्वालिटी का वीडियो रिकॉर्ड होगा, वही सब है। और यहाँ पर फ्रेम, आप कितना फ्रेम में रखना चाहते हैं, तो नॉर्मली और डिफॉल्ट में 25 फ्रेम रहता है, जो कि बहुत ही अच्छा है, बेस्ट है। और वीडियो रिकॉर्ड होने के बाद वो कहाँ पर जाकर सेव होगा, तो वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा सेव टू में। यहाँ पर से आप उससे उसका लोकेशन चूज कर सकते हैं। अब मैं अभी चूज करके दिखा दे रहा हूँ आपको, जैसे वहाँ पर क्लिक करेगा तो आप कौन सा ड्राइव में सेव करना चाहते हैं वो ड्राइव में आप यहाँ पर रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट पर क्लिक करके इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एफ ड्राइव प्रोजेक्ट फोल्डर का नाम आ चुका है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या दिखा रहा है, स्टॉप रिकॉर्डिंग आफ्टर। अगर यहाँ पर टाइम सेट कर देंगे जैसे कि 10 मिनट या 2 घंटे, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक क्या होगा, बंद हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप टाइम सेट नहीं करेगा क्या होगा, आप जितना देर चाहे उतना देर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं सॉफ्टवेयर में। उसके बाद आपको यहाँ पर माउस का ऑप्शन दिख रहा होगा, माउस कौन सा माउस, जैसे कि माउस क्लिक करने पर आपको कौन सा कलर दिखे, स्काई ब्लू है, येलो है, रेड है और ब्लू है, तो आपको जो कलर अच्छा लगता है वो कलर रख सकते हैं आप। जैसे कि मैंने यहाँ पर रेड सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद है यहाँ पर प्ले माउस क्लिक साउंड, साउंड क्या, माउस क्लिक करने का साउंड आए आपका वीडियो में या नहीं आए उसको आप क्लिक करिएगा तो आएगा, अगर यहाँ पर इसे अनटिक कर दीजिएगा तो आपको साउंड नहीं आएगा। और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट, पॉज रिज्यूम हॉट की, जो कि शॉर्टकट की बोल सकते हैं इसे, आपको इसे आप शॉर्टकट की बोल सकते हैं। जैसे कि आपको पॉज करना है आपका वीडियो या रिज्यूम करना है पॉज के बाद वीडियो को, तो आप F10 आपको खींचना है अपने कीबोर्ड पर। अगर आपको आपको वीडियो को स्टार्ट करना है या स्टॉप करना है, आपको F10 प्रेस करना है अपने कीबोर्ड पर। अगर कैमरा आपके पास, यहाँ पे कैमरा रिकॉर्डिंग स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, मेरा अभी डेस्कटॉप का मैं इसे नहीं दिखा सकता हूँ, दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। ऊपर के देख लेते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 3 ऑप्शन, एक फुल स्क्रीन, कस्टमाइज, टारगेट विंडोज। तो फुल स्क्रीन में आप समझ ही गएंगे, जितना आपका फुल स्क्रीन है वो पूरा कस्टमाइज में आपको उसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, आपको कितना रिकॉर्ड करना है वो आप यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं स्क्रीन साइज को। उसके बाद आपको मिल जाएगा टारगेट विंडोज, आप जो जिस विंडोज पर है वो सिर्फ रिकॉर्ड होगा और उसके अलावा रिकॉर्ड नहीं होगा, वो दिखा रहा है वहां पर, जैसे कि इतना रिकॉर्ड करना है, इतना रिकॉर्ड करना है, इतना रिकॉर्ड करना है, ये हो गया टारगेट विंडोज। अब यहाँ पर क्या करना है, इसका हाइट विथ जो फुल स्क्रीन का वो दिख रहा है, आपको कस्टमाइज भी कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर मेन फीचर साउंड है, साउंड नहीं आएगा तो फिर वीडियो रिकॉर्ड करके फायदा ही कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं स्पीकर का नेवल है, ऑफ कर सकते हैं, अगर सिंपली इस पर टैप करेगा तो ऑफ हो जाएगा, इस पर क्लिक करेगा ऑन हो जाएगा। ऐसा ही माइक्रोफोन का, और माइक्रोफोन का 2 ऑप्शन है, नीचे का और ऊपर का, तो सिंपली ऊपर का रखिए बेस्ट रहेगा। उसके बाद सेटिंग का सब सारा कुछ मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, अगर कुछ समझ में नहीं आता आप कमेंट कर सकते हैं, फिर से अपना वीडियो बना के डाल सकते हैं। इसे सिंपली यहाँ पर क्लिक करके इसे क्लोज कर दीजिए और उसके बाद
आपको करना क्या है, यहाँ पर जो रेड कलर का आपको बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करने के बाद आपका रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्लिक करिए, काउंट डाउन शुरू हो चुका है। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं अल्फा ज्ञान। देखिए आप वीडियो आराम से इस पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर सिंपली उस वीडियो को आप स्टॉप करना चाहते हैं तो अभी उसे स्टॉप करते हैं F9 प्रेस करके, अपना कीबोर्ड का F9 प्रेस करेंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। वो स्टॉप हो चुका है और यहाँ पर आप देख रहे हैं फिल्मोरा से कर रहे तो देखिए ये वो खुद ब खुद फिल्मोरा में आ चुका है। अगर आपको इसे एक्सपोर्ट करिए या नहीं करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये डिफॉल्ट में वो सेव हो चुका है प्रोजेक्ट फाइल में, आपको दिखा दे रहा हूँ मैं। इसी में गए, उसके बाद F ड्राइव में था तो F ड्राइव में जाइए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रोजेक्ट फोल्डर भीतर, फोल्डर के अंदर एक फाइल आ चुका है वीडियो का, जो आज का ही डेट का है January 4th का। आपको समझ आ गया होगा कि अपना PC का स्क्रीन कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वो भी फिल्मोरा से। उसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आने वाला है जो कि फिल्मोरा का बेसिक ट्यूटोरियल रहेगा, उसके बाद एक एडवांस आएगा। ऐसे ही करके फिल्मोरा के ऊपर मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा जो कि आपको बहुत ही हेल्प करेगा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने में। 4K वीडियो MB उतना ही, MP4 बनाइए, 4K बनाइए, MB उतना ही रहेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए, सबको मालूम चले कि फिल्मोरा का एक अच्छा फ्यूचर, जो पुराना फ्यूचर है लेकिन अच्छा फ्यूचर है। बहुत लोग को देखते हैं थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं और वीडियो एडिटिंग करने के लिए बस फिल्मोरा यूज करते हैं। फिल्मोरा में दोनों ऑप्शन है, तो आप दोनों को यूज करिए, इंजॉय करिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।